हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बताएंगे कि एलजी वॉशिंग मशीन का वॉश मोटर और टाइमर को कैसे सेट करें। ठीक है दोस्तों, उसका कनेक्शन कैसे करें। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कैपेसिटर है और ये टाइमर है एलजी। ठीक है दोस्तों, और वो जो आपको नीचे दिख रहा है ये मोटर है। ठीक है, तो वीडियो में तक बने रही तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा जो इसमें ब्लैक है वो कॉमन है। ठीक है, और ये दो जो है कैपेसिटर और मोटर में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये हमारा मोटर है जिसमें वाइट कॉमन है और ये दोनों रनिंग और स्टार्टर है। ठीक है, पूरा आज हम बताएंगे इसमें कि कैसे करेंगे। वॉश मोटर का है। ठीक है दोस्तों, ये इसको हम टाइमर से कैसे जोड़ेंगे, कैपेसिटर कहाँ लगाएंगे। ठीक है, पूरी जानकारी इसमें देंगे। इसमें ये देखिए, मतलब वाइट वाले को हटा करके, इसमें वाइट कामन है, कामन को पहले हटा करके ये जो हमारा तार बचा हुआ है मोटर में, इसको हम टाइमर से जोड़ेंगे। ठीक है, ये ब्लैक वाला हमारा कामन है, ये दोनों इसमें जुड़ेगा कैपेसिटर के साथ। ठीक है, इसको पहले एक इसमें जोड़ लेंगे, किसी में भी जोड़ सकते हैं आप। इसको भी हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे कैसे क्या करते हैं। और ये एक इसमें ये जो कैपेसिटर है इसको हम जोड़ देंगे, एक इसमें जोड़ेंगे और एक इसमें जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये जो हमारा वाइट है और ये ब्लैक है, ये दोनों हमारा कॉमन है। ठीक है, ये हमारा बोर्ड में जाएगा दोनों, एक मोटर का तार है और एक टाइमर का तार है। ठीक है, ये दोनों हमारा हो गया है और ये दोनों हमारा मेन है, मेन कनेक्शन है, एक वाइट और ब्लैक है। ये डायरेक्ट हमारा बोर्ड में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, इसमें तीन तार का है हमारा ये एलजी वॉश टाइमर, तो इसी तरह इसका कनेक्शन होगा और इसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि कैसे इसको करेंगे। ठीक है दोस्तों, सिंपली गए यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हमारा जो नीचे है, तो पूरा इसमें डायग्राम हम आपको समझाएंगे कैसे लगाएं। ये मेरा जो है कैपेसिटर है नीचे वाला। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर है। ठीक है, उसका ये है जो ये दो तार का कैपेसिटर है, ये हमारा कैपेसिटर है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा मोटर है तीन तार का, ये जो आपको दिखाया था ये हमारा मोटर हो गया। इसमें एक वाइट तार है, एक येल्लो है, एक रेड है। ठीक है, ये हमारा मोटर हो गया और ये हमारा टाइमर हो गया तीन तार वाला। ठीक है, जो आपको छोटा दिख रहा है, जो छोटा दिख रहा है ये हमारा बजर है, ये कॉमन है ब्लैक वाला, और ये दोनों रनिंग और स्टार्टर है। ठीक है दोस्तों, तो हम कैसे इसका कनेक्शन करेंगे हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये जो हमारा ब्लैक वाला है इसको हम डायरेक्ट एक बोर्ड में ले जाएंगे, जो हमारा बोर्ड का तार होगा इसमें ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमारा बजर वाला है वो ऊपर ही लग जाएगा, वहाँ पे एक दिया रहेगा तो उसी में जाके लग जाएगा। ठीक है, वहाँ ऊपर लगा रहेगा वो बजर का, उसको नहीं अगर नहीं लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको नहीं लगाएंगे, कोई वो नहीं। ठीक है, ब्लैक ये हमारा हो गया तार, बचा दो तार। ठीक है, यहाँ मेन कनेक्शन ये हमारा, ये बोर्ड का जो जाता है लीड में, तो ये लीड में हो जाएगा। ठीक है, ये दो तार बचा हमारा रनिंग और स्टार्टर का बचा है इसमें टाइमर में, और इसको हम क्या करेंगे, ये मोटर है हमारा। ठीक है, ये तीन तार का, एक इसमें वाइट वाला कामन हो गया है, कामन वाले को क्या करेंगे, इसको भी हम लीड में डायरेक्ट जोड़ देंगे, जो हमारा बोर्ड है ये लीड में ले जाके जोड़ देंगे। ये कामन इसका, ये ब्लैक कामन एक हो गया, एक ये मोटर का कामन हो गया हमारा वाइट वाला, तो इसको हम यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, बचे हमारे दो तार, तो एक दो कैपेसिटर का बचा और दो तार मोटर का बचा, दो तार टाइमर का बचा। ठीक है, तो एक हम ये मोटर में दोनों एक एक में जोड़ देंगे, कैपेसिटर का है और ये जो टाइमर है टाइमर को भी अलग अलग हम जोड़ देंगे, एक एक इसमें ले जाएंगे और एक दूसरे में ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
ये देखिए, ये हमारा कनेक्शन पूरा हो चुका है, ठीक है दोस्तों। मोटर और टाइमर और कैपेसिटर का, तो इसी तरह इसका कनेक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये देखिए हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसको कैसे करेंगे, ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कैसी रही वीडियो। थैंक्स फॉर वॉच।